हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि करंट एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की, आपको लेकर, आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर। साथ ही में ये देखेंगे कि क्या रिसेंटली इनका आपकी तरफ कोई एक्शंस होगा या नहीं होगा, और यहाँ पर जो भी रीडिंग आती है उसके रिगार्ड आपको क्या करना चाहिए, यानी कि आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स भी निकाले जाएंगे। बस गाइस, आपको यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना होगा जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि लड़का लड़की कोई भी ये रीडिंग देख सकता है। तो चलिए देख लेते हैं इस वक्त में इस पर्सन की क्या एनर्जीज है आपको लेकर, आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए करंट एनर्जीज क्या है इस वक्त में व्यूअर्स के, पर्सन के, यूनिवर्स, उनको लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, को बताइए क्या करंट एनर्जीज है इस वक्त में इस पर्सन की, मेरे व्यूअर्स को लेकर यूनिवर्स गाइड कीजिए। बताइए। सो फर्स्ट वन इज चेंज, न्यू विजन। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए इस वक्त में इस पर्सन की क्या एनर्जीज हैं व्यूअर्स को लेकर। गाइड कीजिए और बताइए क्या एनर्जीज हैं इस वक्त में इस पर्सन की यूनिवर्स, द लवर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए इस वक्त में इस पर्सन की क्या एनर्जीज हैं व्यूअर्स को लेकर, इनोसेंस। एक कार्ड और दीजिए, बताइए इस वक्त में इस पर्सन की क्या एनर्जीज हैं व्यूअर्स को लेकर यूनिवर्स। गाइड कीजिए आउटसाइडर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए इस वक्त में इस पर्सन की चेंज के मामले में क्या एनर्जीज है यूनिवर्स। गाइड कीजिए परसेप्शन, न्यू विजन के मामले में इस वक्त में इस पर्सन की क्या एनर्जीज है यूनिवर्स। गाइड कीजिए। बताइए बैलेंस, लवर्स के मामले में इस वक्त में इस पर्सन की क्या एनर्जीज है यूनिवर्स, मिरेकल। इनोसेंस के मामले में इस वक्त में इस पर्सन की क्या एनर्जीज है यूनिवर्स। गाइड कीजिए। बताइए रिकवरी। आउटसाइडर के मामले में इस वक्त में इस पर्सन की क्या एनर्जीज है यूनिवर्स। गाइड कीजिए। बताइए रिजेक्शन। तो सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि जब टैरो से कार्ड्स निकाले जाएंगे तभी भी यहाँ पर देखी जाएगी कि कौन कौन सी एनर्जीज है। जैसे यहाँ पर अभी तक आई है सजिटेरियस या आपकी पाइसिस या आपकी जेमिनाई की एनर्जी, यहाँ पर आपके टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, और यहाँ पर आपकी आई है सजिटेरियस की एनर्जीज। ठीक है, तो देखिए हमारा सवाल है आज के इस रीडिंग से कि आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जीज है इस वक्त में, ये क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। सबसे पहली चीज तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना आपको पास्ट में एक अलग नजरिए से देख रहे थे, यानी कि किसी तरह का आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज था, इन्हें आप पर ना किसी बात को लेकर विश्वास नहीं था, और इसी वजह से आप लोगों के रिश्ते में ना बैलेंस नहीं था, या आप इनके लिए सब कुछ कर रहे थे, बैलेंस लेकर आने की कोशिश कर रहे थे रिलेशनशिप में, लेकिन ये पर्सन उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। वजह इनकी ऐसी इसीलिए थी क्योंकि ये आपको लेकर ना तो श्योर थे और इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी कहीं ना कहीं आपको लेकर ठीक नजर नहीं आ रहा है। इस पर्सन ने ना जो आप इनके लिए बैलेंस लेकर आते थे, इनके लिए करते थे, इन्हें फीलिंग्स वाइज, प्यार वाइज इन्हें जो देते थे, उन चीजों पर ये भरोसा नहीं कर पा रहे थे पास्ट में। ठीक है, लेकिन अभी इस वक्त इस पर्सन की यही सारी एनर्जीज काफी ज्यादा चेंज होते हुए नजर आ रही है। इनका पूरा नजरिया मुझे बदलता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये आप जो इनके लिए कर रहे थे, जो रिश्ते में बैलेंस लेकर आने के लिए जितने भी आपने एफर्ट करे, जितना भी इन्हें प्यार दिया, उन सब चीजों को ये पर्सन अब एक नए दृष्टिकोण से देखते हुए नजर आ रहे हैं, और अब ये आपके मामले में, अपने प्यार के मामले में एक मिरेकल का वेट कर रहे हैं।
हैं, यानी कि इस पर्सन के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि जब तक आप इनके साथ थे तब तक तो इन्होंने आप पर शक करा, आप पर विश्वास नहीं करा, आप इनके लिए कर भी रहे हो तो भी उस पर भरोसा नहीं करा, उसकी वैल्यू भी नहीं समझी, और जब आप इनकी लाइफ से चले गए तो इन्हें उन चीजों का एहसास हो रहा है और अब उन चीजों को सही दृष्टिकोण से देख रहे हैं, उस चीजों को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा इस पर्सन के साथ क्यों हो रहा है? विद इज द आउटसाइडर, क्योंकि ये पर्सन अब आज की डेट में अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। इन्हें आपको ये जाने के बाद अब डर लग रहा है, और सबसे ज्यादा डर अब इस पर्सन को ये लग रहा है कि अगर सपोज ये इस रिश्ते को रिकवर करने के लिए आपकी तरफ बढ़ते हैं, आपकी निर्दोष, क्योंकि आप बेसिकली निर्दोष थे, तो अगर ये आपको निर्दोष साबित करते हैं तो अब आप इनके इस ऑफर को रिजेक्ट कर दोगे, तो इस पर्सन के मन में अब बेनतहा डर भी नजर आ रहा है। ठीक है, रिजेक्शन का डर, अकेले रहने का डर, या फिर फाइनेंशियली भी इस पर्सन को दिक्कतें हो तो गरीबी का डर, तो काफी ज्यादा इस पर्सन के मन में अब डर मुझे दिख रहा है। और ये पर्सन ना अब इस एनर्जीज में दिख रहे हैं कि बस अब इन्हें भागना है, इस डर से दूर भागना है, पर ये भाग भी नहीं पा रहे हैं। आप खुद देखिएगा इस पर्सन के चारों तरफ कितने सारे डर हैं जो इन्हें स्टक करे हुए बैठे हैं। इन्हें कहीं ना कहीं अब ये समझ में आ रहा है कि आप किसी भी चीज को लेकर जो ये आपको गलत समझ रहे थे, उन सब चीजों में आप पूरी तरह से निर्दोष थे, इनोसेंस थे, और इसी रीजन की वजह से इस पर्सन का यहाँ पर परसेप्शन, नजरिया, दृष्टिकोण बदलता हुआ नजर आ रहा है। विद दिस रिकवरी कार्ड मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना मेंटली स्टेबल नहीं थे जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में थे तभी भी, और जब आप लोगों के बीच में जो ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुआ, उस वक्त भी मेंटली ये पर्सन ना मैच्योर नहीं थे, मेंटली चीजों को समझ नहीं रहे थे, अपने सामने होती हुई चीजों पर ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तो काफी ज्यादा मुझे ये दिख रहा है कि इस पर्सन ने डेफिनेटली आपके ऊपर कोई ब्लेम लगाया है, जिस वजह से यहाँ पर आप लोगों की सिचुएशन खराब हुई है, आपका प्यार खराब हुआ है। लेकिन आज की डेट में ये पर्सन उसी प्यार में एक मिरेकल का वेट कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसी भी एनर्जीज इस पर्सन की आई है। टैरो से देखते हैं तो और आइडिया होगा। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए चेंज के मामले में इस वक्त इस पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए चेंज के मामले में इस वक्त इस पर्सन की एनर्जीज। टू, द फर्स्ट वन इज टू ऑफ सोर्ड्स, द फूल, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ना, मेंटली ये इमेच्योर थे पास्ट में, ये चीजें यहाँ पर क्लियर हो रही हैं। ठीक है, एनर्जीज यहाँ पर एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि आया है। नंबर टू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, यानी कि फरवरी मंथ। तो बेसिकली ये पर्सन चेंज बिल्कुल चाहते हैं, ये चेंज चाहते हैं कि ये जो कंफ्यूज थे आपके मामले में, कि आपके साथ रिश्ते में आना है नहीं आना है, आप पर जो ब्लेम लगाए गए थे उस मामले में जो कंफ्यूज्ड थे, इनका पीस ऑफ माइंड उस वक्त में वो कंफ्यूजन में था, तो ये उन्हीं चीजों में चेंज लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन अब अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत चाहते हैं। विद दिस द फूल कार्ड, ठीक है, चेंज चाहते हैं नई शुरुआत के तौर पर, आपको लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी भी रख रहे हैं, और इसी रीजन की वजह से ये आपको स्पाई भी कर रहे हैं, और रीजन इनका आपको स्पाई करने का यहाँ पर आज ये दिखाई दिया है कि इस पर्सन का आपको लेकर परसेप्शन चेंज हो गया है। इस पर्सन के दिल में अब आपके प्रति क्यूरियोसिटी जाग रही है, चांसेस हैं कि आप में पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, आप में काफी ज्यादा चीजें बेहतर हुई हैं जो इस पर्सन को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रही हैं, इसी रीजन की वजह से ये आपको स्पाई कर रहे हैं, और ये चेंज लेकर आना चाह रहे हैं अपने इस कंफ्यूजन से निकलने के मामले में, ताकि लाइफ में एक नई शुरुआत इनके हो सके। ठीक है, न्यू बिजनेस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, और बताइए न्यू बिजनेस के मामले में इस पर्सन की क्या एनर्जीज है इस वक्त में। यूनिवर्स न्यू बिजनेस के मामले में इस पर्सन की एनर्जीज के बारे में बताइए। यूनिवर्स टेन ऑफ पेंटिकल्स, द मून, द वर्ल्ड, एस ऑफ
पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पर मुझे आप लोगों के बीच में दूरियां दिखाई दे रही हैं, यानी कि ज्योग्राफिकली दूरियां हो सकती हैं, या आप इस पर्सन से एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। इस पर्सन के साथ आप लोग बेसिकली एक दूसरे से दूर रहते हो ना, इसीलिए चीजें जल्दी से अनकंट्रोल्ड हुई। इसी रीजन की वजह से इस पर्सन का विश्वास ना आप पर बढ़ने की बजाय हमेशा से घटता रहा, ये रीजन मुझे दिख रहा है। यानी कि आप तो इनके लिए कर रहे थे, आप बैलेंस करना चाह रहे थे चीजों को, लेकिन जब ये पर्सन आप पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे तो आपका करा हुआ इस पर्सन के लिए सब चीजें पानी में चला जाता था, सब चीजें एकदम सर के ऊपर से उतर जाता था, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि काफी लोगों के केस में ये जो पानी सर से उतर जाता था उसकी वजह यहाँ पे कोई फैमिली इश्यूज था, कोई ट्रेडिशंस, कोई कास्ट, कोई परंपरा, इस तरह के रीति रिवाज ये थे जो आप इन्हें समझा रहे थे रिश्ते में नई शुरुआत करने के मामले में, या फिर अपने रिलेशनशिप की कदर समझो, प्यार की वैल्यू समझो, जो आप इन्हें समझाने के लिए बार बार एफर्ट कर रहे थे ना, तो वो इसी रीजन की वजह से इस पर्सन के सर के ऊपर से उतर जाता था, क्योंकि यहाँ पर कोई और इनका दृष्टिकोण चेंज कर देता था। और आज की डेट में इस पर्सन को यही चीजों की वैल्यू समझ में आती जा रही है विद द वर्ल्ड कार्ड, तभी ये आपके साथ जो आप इन्हें समझा रहे थे काफी वक्त से कि हेल्दी शुरुआत कैसी करे जा सकती है, बैलेंस कैसे लाया जा सकता है इस रिश्ते में, उस मामले में ये पर्सन काफी ज्यादा सोच रही है। इस पर्सन के पास वेल्थ वाइज काफी कुछ है, फैमिली भी हो सकती है, पैसा भी हो सकता है, सब कुछ है, लेकिन इमोशनली जो इनसे कनेक्ट हो पाए वो पर्सन इनके पास अब नहीं रहा है। उस मामले में इनकी सिचुएशन पूरी तरह से खाली है, और इसी रीजन की वजह से ये आपकी तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं, आपको अलग नजरिए से देख रहे हैं कि आपके पास जब ये थे तो ये इमोशनली स्टेबल थे, इमोशनली अपनी बातें किसी से शेयर कर पाते थे, ऐसी एनर्जीज भी इस पर्सन की आज की आई है। ठीक है, लवर्स के मामले में इस पर्सन की इस वक्त में क्या एनर्जीज है, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए लवर्स के मामले में इस पर्सन की एनर्जीज। तो फर्स्ट आया है 10 of Swords, 7 of Pentacles इन रिवर्स, 9 of Pentacles इन रिवर्स एंड 3 of Pentacles। ठीक है, देखिए मुझे बेसिकली यहाँ पे ये दिख रहा है कि डेफिनेटली आपके पर्सन ना पास्ट में किसी थर्ड पार्टी को लेकर इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, कोई भी हो सकती है थर्ड पार्टी, इवन फ्रेंड्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, या कोई एल्डर ब्रदर सिस्टर हो सकता है, या फिर कोई भी एक्स वाई जेड जो जिनके इन्फ्लुएंस में ज्यादा रहते हैं, जिसकी बात ये ज्यादा सुनते हैं, और इसी वजह से इन्होंने आपके साथ चीट करा, आपको बैक स्टेप करा है विद दिस 10 of Swords कार्ड। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन क्योंकि अब आपको लेकर बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं, इसीलिए इस पर्सन ने गिव अप कर दिया है इस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में, ये अब और ज्यादा नहीं आना चाहते, इस मामले में इन्होंने पूरी तरह से गिव अप कर दिया है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं रियलाइज कर रहे हैं कि अब इन्हें अपनी लाइफ में सेम मिस्टेक फिर से नहीं दोहरानी है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इनकी ही बातों में आकर आप को गलत नजरिए से देखा, आपको अपनी लाइफ से जाने दिया, आपके साथ बैलेंस नहीं करा, तो ये अब ये चाहते हैं कि भाई अब इन्हें सेम फिर से वही गलतियां मिस्टेक नहीं करनी है किसी भी हालत में। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी एहसास हो रहा है इस थर्ड पार्टी के बातों में, जैसे ये आए है ना, कि इस थर्ड पार्टी की बातों में आने की वजह से ही ये आपको लेकर इररेस्पॉन्सिबल हुए हैं, यानी कि इन्हें जो आपके प्रति जिम्मेदारियां उठानी थी, अपने रिश्ते के लिए जो काम करना था, वो सिर्फ और सिर्फ इसके वजह से ही हुआ, इनकी बातों में आने की वजह से ही हुआ है। और इसी वजह से ये पर्सन ना काफी ज्यादा होपफुल हो रहे हैं, काफी ज्यादा मिरेकल्स का वेट कर रहे हैं अपने प्यार के मामले में, अपने रिलेशनशिप के मामले में, यहाँ पर ऐसी भी एनर्जीज आई है। यानी कि ओवरऑल ये पर्सन अब इस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में और नहीं आना चाहते, बल्कि इसके इन्फ्लुएंस में आने की बजाय ये एक मिरेकल का वेट कर रहे हैं कि अब इनकी लव लाइफ, इनकी रिलेशनशिप किसी ना किसी तरह से बेहतर हो जाए। ठीक है, इनोसेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में इस पर्सन की क्या एनर्जीज है इस वक्त में, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए इनोसेंस के मामले में इस पर्सन की क्या एनर्जीज है। सो फर्स्ट वन इज 9 of Wands, यहाँ पर आया है द चैरियट, यहाँ पर आया है 6 of Wands,
और ये आया है आपका नाइन ऑफ कप्स। यहाँ पे एरीज लियो एंड सजिटेरियस मेष सिंह एंड धनु राशि एंड नंबर नाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, यानी कि आपका हो गया सेप्टेम्बर मंथ। देखिए यहाँ पर ये चीजें तो पूरी तरह से क्लियर हो रही हैं कि ये पर्सन अब अपने हीलिंग प्रोसेस पर पहुंच चुके हैं, अपने आप को रिकवर कर रहे हैं इस थर्ड पार्टी के मामले में, अपने आप को गार्ड कर रहे हैं इस थर्ड पार्टी के मामले में, क्योंकि ये अब अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये अब अपनी लाइफ में मूवमेंट चाहते हैं। यू वापस से वही गलतियां दोहराना या यू स्लो एनर्जी में रहना, ये अब ये नहीं चाहते। इसीलिए विद इज द चैरियट एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, ये पर्सन अपने लाइफ काफी ज्यादा मूवमेंट चाह रही है, ऐसी एनर्जीज इनकी आई है। और ऐसा इनके साथ इसीलिए हुआ है, पहली चीज ये हील हुए हैं, दूसरी चीज ये आपको लेकर श्योर हुए हैं कि आप हर चीज के लिए जिस चीज का दोष आरोप ब्लेम इन्होंने आपके ऊपर लगाया था, उन हर एक एक चीज के लिए आप पूरी तरह से निर्दोष हैं। और इसी रीजन की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अब यू ऐसे स्टक नहीं रहना चाहते। यानी कि मुझे ओवरऑल यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन जैसे ही अपने हीलिंग प्रोसेस पे चल रहे हैं ना, तो ये रिचार्ज होते जा रहे हैं। जैसे इनकी एनर्जीज इस थर्ड पार्टी ने सक कर ली थी, अपने अकॉर्डिंग इन्हें चला रही थी, लेकिन अब आपके पर्सन अपने लिए स्टैंड लेते हुए, अपनी हिम्मत को जुटाते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। और जब इन्होंने अपने आप को रिकवर करा, तो बेसिकली इस पर्सन ने चीजों को समझना शुरू करा है, इस तरह की एनर्जीज इनकी आई है। ठीक है, आउटसाइडर को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, और बताइए इस मामले में इस वक्त में इस पर्सन की क्या एनर्जी है यूनिवर्स, गाइड कीजिए बताइए। यहाँ पर आया है थ्री ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। भाई आप लोगों के रिश्ते में सबसे ज्यादा दिक्कत मुझे बैलेंस नहीं था, ये चीजें तो दिख रही हैं, स्टार्टिंग से बैलेंस और यहाँ पे भी बैलेंस और यहाँ पे भी बैलेंस। स्टार्टिंग से आप लोगों के रिश्ते में बैलेंस था ही नहीं, यानी कि आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोग एक ऐसे रिश्ते में स्टार्टिंग से थे जिसमें एक तरफ से इस रिश्ते को के लिए एफर्ट करा जा रहा था, इस रिश्ते को बचाया जा रहा था, फिर चाहे आप उसके लिए कितना भी ज्यादा पेन क्यों नहीं फील कर रहे हो, आप अपने आप कि मैरिज को बचाने के लिए एफर्ट करते रहे, हमेशा काम करते रहे, या फिर आप इस रिश्ते में लीगली आने के लिए हमेशा से इस रिश्ते में काम करते रहे हो, इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर आपकी आई है। तो बेसिकली ये चीजें तो तय है कि ये पर्सन ना अब काफी ज्यादा डरी हुई एनर्जीज में दिख रहे हैं, क्योंकि इनके मन में डर है काफी सारे रिजेक्शंस का, काफी ज्यादा अपने आप को अकेले रहने का, इनके मन में अब डर समा गया है। इसी रीजन की वजह से कि अकेले रह गए हैं, ये पर्सन अपनी मैरिज को लेकर, अगर आप इनसे ऑलरेडी मैरिड है तो, या फिर आप लीगली इनसे कमिटमेंट चाह रहे थे, उसको लेकर सीरियस होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इन्हें ये पता है आपके बारे में अच्छे से कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो इनके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हो। यानी कि ये पर्सन ना आपको एक रिवॉर्ड की तरह देख रहे हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो हमेशा से इनके लिए अवेलेबल हो, या जब भी ये आपको बुलाते हैं, आपको कॉल करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, तो आप हमेशा से तैयार हो इस रिश्ते में आने के लिए, मैरिज को सही करने के लिए, या फिर कमिटमेंट में आने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये चीजें दिख रही हैं कि इस पर्सन के मन में डीप इनसाइड एक डर जरूर है विद दिस थ्री ऑफ सोर्ड्स कार्ड। वो डर है इनके मन में कि क्या अब आप इन पर भरोसा करोगे या नहीं करोगे, यानी कि इस पर्सन को अब ये चीजों का डर लग रहा है कि अब आप इन पर किसी भी तरह से विश्वास नहीं करोगे और आप शायद इस रिश्ते में इन्हें रिजेक्ट कर दोगे, इसी रीजन की वजह से अपने आप को स्टक भी फील कर रहे हैं, ये बातें भी यहाँ पर दिख रही हैं। डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाह रही है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, लेकिन डर तो इनके मन में है आपको लेकर काफी सारे, ये चीजें दिख रही हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए कि व्यूअर्स के पर्सन अब कोई एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स की तरफ यूनिवर्स। तो यहाँ पर आया है द हाई प्रीस्ट, द मून, एम्परर, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक आया है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, एक दो कार्ड्स क्लैरिफाई करती हूँ।
गाइड कीजिए रिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए द हाई प्रीस्ट के मामले में इस पर्सन की क्या एनर्जीज है, गाइड कीजिए रिवर्स और बताइए, हाई प्रीस्ट को क्लैरिफाई कीजिए, नाइट ऑफ रॉड, द मून को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए मून के मामले में इस पर्सन की क्या एनर्जीज है रिवर्स, किंग ऑफ रॉड, एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए ये किसकी एनर्जी है यूनिवर्स, गाइड कीजिए, बताइए एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए, वाओ एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, बताइए नाइन ऑफ वॉन्ड्स किसकी एनर्जी है, वाओ वेरी नाइस। तो भाई हमारे सवाल का जवाब तो यहाँ पर हाँ में आता है कि काफी ज्यादा चांसेस है कि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शंस ले, ठीक है, यहाँ पर आपके साथ नई शुरुआत करने के लिए इस पर्सन के काफ़ी सारे एक्शंस मुझे दिख रहे हैं विद दिस एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, यानी कि ये आपके साथ डेफिनेटली इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं और आपको इसी कनेक्शन की वजह से, इसी फीलिंग्स की वजह से, आपके साथ की वजह से ये आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उसकी लीड लेंगे, यानी कि एम्परर की पोजीशन में ये पर्सन डेफिनेटली आएंगे, इनका कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज जरूर आएगा क्योंकि ये अब आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा होपफुल हो रहे हैं, आपके साथ रिश्ते में रीयूनियन के मामले में काफ़ी ज़्यादा होपफुल ये पर्सन हो रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन को जो अभी तक ये लग रहा था कि आप लोगों की सिचुएशन पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड है, आप लोग बहुत दूर दूर जाकर अब कि आप लोग अब बहुत दूर हो गए हो, तो यही पर्सन आप उसी स्ट्रगल को, उसी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करेंगे, खुद से एक्शंस लेंगे ताकि आप लोग वापस से अलग अलग ना रहकर पास आ जाओ, आप लोगों का रीयूनियन हो जाए, यहाँ पर इस तरह की एनर्जीज इस पर्सन की आई है। इसके अलग अगर आप लोगों के केस में कोई थर्ड पार्टी, कोई मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है तो बेसिकली उसका भी रोल यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन उसके साथ भी फेयर नहीं रहने वाले हैं विद दिस नाइट ऑफ रॉड कार्ड। आपके पार्टनर इससे अपने आप को पूरी तरह से गार्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं विद दिस नाइट ऑफ बॉन्ड्स, क्योंकि ये अब अपने लिए स्टैंड लेंगे, इनका एक्शन है इसके अगेंस्ट जाना, अपने लिए स्टैंड लेना और काफी इंटेंसिटी से अपने रिलेशनशिप यानी कि आपकी तरफ रीयूनियन के लिए बढ़ना, तो इस तरह का एक्शन आज की इस रीडिंग में इस पर्सन का आया है। समय मुझे एक से लेकर दो हफ्ते ज्यादा दिखाई दे रहे हैं कि एक हफ्ते से लेकर दो हफ्तों के अंदर अंदर काफी लोगों के पर्सन का कॉल टेक्स्ट मैसेज या खुद से एक नई ब्रांड बिगनिंग का ऑफर आपके पास आ सकता है, इसके चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, ये भी जो सिचुएशन आई है उस मामले में यूनिवर्स, अ टाइम फॉर हीलिंग, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए व्यूअर्स को क्या करना चाहिए सिचुएशन के मामले में यूनिवर्स, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, एक कार्ड और दीजिए, बताइए व्यूअर्स को क्या करना चाहिए सिचुएशन के मामले में यूनिवर्स, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि ये जो भी अभी तक आप लोगों के बीच में लोगों का इन्फ्लुएंस था, दूरियां थी, सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही थी, वो टफ साइकिल थी आप लोगों के बीच की जिसका एंड बेहद जल्द पूरा भी होने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे ये बोला जा रहा है ये जो समय है ना आप लोगों का, ये अपने आप को हील करने का है, क्योंकि कुछ भी हो इस जब आपके ऊपर ब्लेम्स लगाए गए हैं, चाहे फिर इस पर्सन ने लगाए हो, किसी थर्ड पार्टी ने लगाए हो, तो ये सारे ब्लेम्स ना कहीं आपको काफी ज्यादा गहरे घाव ऑलरेडी दे गए हैं, तो ये समय है आपका अपने आप को हील करने का, ये समय है अपने आप को संभालने का, अपने आप को मेडिटेशंस में ध्यान में लगाने का ताकि आप हील हो सके, ताकि आप हीलिंग वाइब्रेशंस अपने पर्सन को भी सेंड कर सके और ताकि आप पॉजिटिव सोच सके, ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, आपकी जो भी टफ साइकिल अभी तक चल रही है वो पूरी तरह से एंड हो जाए। तो बेसिकली आपसे यहाँ पे ये बोला जा रहा है भाई अपने आप पर जितना ध्यान दोगे, अपनी जितनी केयर करोगे, क्योंकि कोई और आकर आपकी केयर नहीं करेगा, ऊपर से केयर करने के लिए मैं यहाँ पर नहीं कह रही हूँ, मैं अंदर से आपसे कह रही हूँ कि आपको अपने आत्मा को, सोल लेवल को शांत करना है, इसे हील करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द में आपकी सोल इस वक्त इस रीडिंग के थ्रू दिख रही है। जैसे इस पर्सन ने इतने ज़्यादा आपको गलत नज़रिए से देखा, आप पर आरोप लगाए, ब्लेम लगाए, तो ऑब्वियसली आप काफ़ी ज़्यादा
आपकी सोल हर्ट हो चुकी है, तो आपको वही करना है, हील करना है अपने आप को। ऐसी गाइडेंस आपके लिए आ रही है। तो आई नो थोड़ी रीडिंग लंबी हो गई, क्योंकि तीन चीज़ें आज हमने देखी हैं। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, आप इस रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।